नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं। देख सकते हैं फ्रेम में टाटा की टियागो ईवी है। लोग इसे क्यों चुन रहे हैं, तो ये बात बताने के लिए आज मेरे साथ हैं दिल्ली की दृष्टि अस्थाना। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। दृष्टि मैम आ जाइए, कैसे हैं? हेलो, वेरी वेल। बहुत बुलंद लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला सवाल है, इसके पहले आप क्या चलाते थे? मैं इससे पहले हुंडई i10 चलाती थी। अच्छा। और मैंने टाटा टियागो ईवी अभी जस्ट फरवरी में परचेज करी है। तो आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना है, मतलब कितना चला चुके हैं अब तक? मैं अभी तक ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर चला चुकी हूं। ये गाड़ी नहीं पूछ रहा हूं, ओवरऑल पूछ रहा हूं। यही गाड़ी 3500 किलोमीटर, 3500 चला चुके हैं। हां जी। वैसे ओवरऑल आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना है? ओवरऑल ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 इयर्स। तो पिछले 10 साल से मैम चला रही हैं, इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल छोड़कर खरीदा है इलेक्ट्रिक। क्यों खरीदा है, इसका जवाब जानने के लिए आया हूं। और इन्होंने टियागो ईवी क्यों चुना है, ये भी जवाब आपको मिलेगा। तो क्या करते हैं मैम, यहाँ पे खड़े होकर बात नहीं करते हैं, अंदर बैठते हैं, ठीक है, और आपसे सारे सवाल करते हैं। आ जाइए। तो मैं दृष्टि के साथ उनकी इस टियागो ईवी में आ गया हूं, और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि लड़कियां गाड़ी खरीद रही हैं, खास करके इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहला सवाल यही है, इलेक्ट्रिक कब खरीदी? इलेक्ट्रिक तो अभी, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी जस्ट फरवरी में खरीदी। बट हाँ, सोचना तो ऑलमोस्ट पहले से शुरू कर दिया था, और थॉट वहाँ से शुरू हुआ जब मैंने अपनी जॉब चेंज करी। एंड मेरी नई जॉब की लोकेशन है गुड़गांव। सो अराउंड ट्रिप एवरी डे वुड बी लाइक 80 किलोमीटर्स, 40 प्लस डेली गुड़गांव ट्रैफिक। टियागो ईवी खरीदने का फैसला क्यों किया, ये सवाल बनता है। फिर क्वेश्चन ये आया, ईवीज तो बहुत सारी हैं, मतलब मार्केट में ऑलरेडी आ भी चुकी हैं बहुत, बट इस प्राइस पॉइंट पे, इस सेगमेंट में, इस रेंज में क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्या हमारा बेस्ट बाय है इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले तो इट इज़ अबाउट ड्राइविंग कंफर्ट, क्योंकि एंड जब मैं कंफर्ट बोलती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर गर्ल्स, जैसे आपने बोला हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोगों का जो पेटीट बॉडी साइज़ है उसके हिसाब से इस कार के जो डायमेंशंस हैं, जो सिटिंग पोजीशन है, बिकॉज यू आर ड्राइविंग फॉर 2-2.5 आवर्स, तो कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। हु वॉन्ट्स टू रीच टायर्ड? आप मॉर्निंग में ऑफिस टायर्ड पहुँचोगे तो क्या वो है? तो कंफर्ट इज़ वन थिंग। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी, एंड टाटा इज़ वेरी वेरी वेल नोन फॉर इट्स सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ ऑल इट्स प्रोडक्ट्स, एंड टियागो इज़ नो डिफरेंट। सो सेफ्टी इज़ अ वेरी वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर मी। एंड थर्ड चीज़ फिर आती है इकोनॉमी। सो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नया ऑफिस जो गुड़गांव में है, तो अगर 40 किलोमीटर्स इज़ वन वे, तो राउंड ट्रिप 80 किलोमीटर्स, तो मैं ऑन एन एवरेज आई थिंक इन अ मंथ ऑलमोस्ट क्लोज टू आप 1500 या 1000 किलोमीटर से तो आप ज़्यादा ही ड्राइव करोगे, एंड दैट अकाउंट्स टू यू नो क्लोज टू 13000 और 14000 वर्थ ऑफ पेट्रोल। अच्छा। जो मैंने स्टार्टिंग में ड्राइव भी किया था बिफोर परचेजिंग, मैं एक दो महीना गई थी पेट्रोल वाली कार में, सो लगा कि नहीं, वी शुड चेंज। टियागो ईवी का सबसे बेस्ट फीचर दृष्टि को क्या लगता है? कंफर्ट एंड द ब्यूटीफुल हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इनका जो 8-speaker हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, दैट इज़ लाइक अमेजिंग। एंड आई थिंक ये इससे काफ़ी एडवांस सेगमेंट वाली कार्स में ये सेम फीचर आता है। एंड इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेड लैम्प्स, एंड यू ड्राइविंग अप सडनली लाइक टनल में जाते हो, इट्स अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ऑब्वियसली कोई मैनुअली स्विच नहीं करेगा हेडलैम्प्स के लिए, तो दैट यू नो ऑटो चेंज ओवर इज वेरी गुड। बारिश में, अभी रेनी सीजन में आई वॉज ड्राइविंग, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि डिपेंडिंग ऑन, मतलब इज इट लाइक अ डाउन पोर और इट्स जस्ट यू नो स्मॉल थिंग, तो योर ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स आर एक्टिवेटेड, आप ड्राइव कर रहे हो, यू कैन फोकस ऑन योर ड्राइविंग, and you don't have to worry about ki ab I have to manually you know
एडजस्ट द वाइपर, तो ऐसे वाले बहुत अच्छे अच्छे इसमें फीचर्स हैं। काफी फीचर्स हैं जो आपको पसंद है। यस यस, बहुत सारे। कब, कहां और कैसे, कितनी बार चार्ज करते हैं, मतलब सवाल एक है लेकिन जवाब को तीन देना पड़ेगा। सो मेरे रनिंग के हिसाब से ऑनेस्टली फॉर अ वर्किंग वीक मेरे दो बार, दो चार्जेस में भी अब काम हो जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में जो रेंज आती थी दैट वॉज नॉट मच, आई थिंक वो 170-180 कुछ थी, बट विद माई ड्राइविंग आई थिंक इट हैज़ गॉन अप टू ऑलमोस्ट नाउ 230-240। अच्छा। तो इस रेंज के हिसाब से फॉर अ वर्किंग वीक मेरे दो चार्जेस में भी काम हो जाएगा, एंड बट होता वही है वर्किंग वीक के बाद हु वॉन्ट्स टू स्टे होम ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स पे अब कहीं ना कहीं हो ही जाता है बाहर आना जाना, तो वो ए दैट इज वन मोर चार्ज, दैट मीन्स थ्री चार्जेस फॉर मी फॉर द एंटायर वीक। कहां पर चार्ज करते हैं? होम चार्जर? माय होम चार्जिंग, यस। अच्छा, होम चार्जर से आपका काम हो जाता है, कहीं बाहर करने की जरूरत पड़ी कभी? बाहर करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। आपने कभी इसे इंटरसिटी भी ट्रैवल किया है, बाहर गए कभी लेके इस गाड़ी को? नहीं, अभी तो मैं लेके नहीं गई हूँ, बट हाँ देर इज प्लान, बिकॉज इनिशियली एक वो हेजिटेशन थी कि मतलब रेंज आएगी नहीं आएगी, अभी इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दैट यू नो वी कैन चार्ज व्हेन वी आर गोइंग इंटरसिटी, तो एक जो वो हेजिटेशन थी अब वो मुझे नहीं है, एंड डेफिनेटली आई थिंक इन द नेक्स्ट मंथ और सो हम लोग एक इंटरसिटी ट्रिप प्लान करेंगे। अच्छा, फास्ट चार्जिंग का कोई एक्सपीरियंस लिया? अभी नहीं लिया इसका। मैंने इनफैक्ट फास्ट चार्जर ही लगाया है। अच्छा, तो कितनी देर में चार्ज कर रहे हैं? एंड फास्ट चार्जर डिपेंडिंग ऑन मैंने कितना, मतलब व्हेन डू आई स्टार्ट चार्जिंग, देयर आर टाइम्स की जैसे मैं मतलब 30-40% के बीच में अगर स्टार्ट करती हूं, आई थिंक इन 1-1.5 hours आई एम डन, एंड इट इज गुड इनफ, 80% इज गुड इनफ कि आप कॉन्फिडेंटली लाइक यू कैन मेक अ ट्रिप टू गुड़गांव एंड नोएडा एंड यू कैन कम बैक, मतलब NCR इज वेरी कंफर्टेबल इन 70-80%, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, एंड इनकेस आपने मतलब काफ़ी बैटरी वो यूज़ कर ली है तो इट माइट टेक 2.5-3 hours। अच्छा, फॉर अ फुल चार्ज। टाटा मोटर्स के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसे खरीदने का? मेरा परचेज एक्सपीरियंस तक, सो माई जर्नी स्टार्टेड, पहले पता चला कि अच्छा टियागो ईवी इज़ बीइंग लॉन्च्ड, सो आई कनेक्टेड, आई सेड मुझे एक टेस्ट ड्राइव चाहिए, मैंने मतलब फीचर्स पढ़े गाड़ी के, एंड ईवी ऑफ कोर्स इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सो आई सेड लेट्स गो इन फॉर अ टेस्ट ड्राइव। सो टेस्ट ड्राइव के लिए जब आए बैठे, मतलब कभी ऑनलाइन किसी में लिखा नहीं था दैट इट इज़ सो साइलेंट, इट इज़ सो साइलेंट, तो बैठ गए टेस्ट ड्राइव के लिए, मेरे साथ में आके वो बैठ गए, एंड ही इज लाइक ड्राइव, हम लाइक हम गाड़ी ऑन तो करेंगे देन ओनली वी विल ड्राइव, ही सेड नहीं मैम गाड़ी ऑन है आप ड्राइव करो, आई सेड वाओ दिस इज अमेजिंग, बहुत साइलेंट है, एंड जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, एंड दिस साइलेंस इज सो गुड, इट्स लाइक आपने ना नॉइज पोल्यूशन बिल्कुल कैंसिल आउट कर दिया है, सो आइदर यू आर टॉकिंग, आप किसी से बात कर रहे हो, आप म्यूजिक सुन रहे हो, so at least that noise wala segment is totally out, so it is very very good. Family ka reaction kaisa raha jab aap ise leke aaye? Family is very happy, very happy, so unhone bhi starting mein woh tha, and I think meri I am the first one to get EV in the family, sabke paas petrol hai, so sabko laga ki ha dekho chalo let's try, and I was very happy, I was the first one, I said let's main try karti hu let me get one EV, so family bahut khush hai, including my daughter, so she is about to turn 2, but वो बहुत खुश थी, वो मेरे साथ delivery भी लेने गई थी car की, and उसको बहुत मज़ा आता है मेरे साथ driving seat पे, कभी कभी बैठ के भी go around the society, so उसको बहुत पसंद है car. आप Tiago EV किसी को recommend करेंगे? मैं already 3-4 को अपने company में recommend कर चुकी हूँ, Uber again, वो मेरे जैसे ही थे, so they also made a move. एंड उन्होंने कहा यार डिस्टेंस तो बहुत बढ़ गया है, एंड पेट्रोल इज़ लाइक वेरी वो, एंड ट्रैफिक का तो ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है NCR में, सो आई सेड मैंने अभी अभी टियागो ईवी ट्राई करी, एंड इट इज़ वेरी गुड, वेरी कम्फर्टेबल, वेरी गुड, इट्स लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इट इज़ गोइंग टू लाइक नॉट बी वेरी वेरी हार्ड ऑन योर पॉकेट, एंड यू विल लव इट, आपको जो पे बैक मिलेगा इसका इट इज़ जस्ट अमेजिंग। तो दृष्टि कितनी संतुष्ट है अपनी इस टियागो ईवी से? बहुत, जैसे मैंने आपको भी बताया इट इज़ मतलब इट्स वेरी कंफर्टेबल, मैंने पहले भी जब मैं सीख भी रही थी कार, मैंने बहुत कार चलाई थी विच वर मैनुअल, तो हम लड़कियों के लिए ना इवन दैट गेयर इज़ लाइक वेरी वेरी हार्ड,
सो वो क्लच ब्रेक गियर डूइंग दिस फर्स्ट हैविंग योर मतलब कार एज ऑटोमेटिक इज वन वेरी वेरी बिग कम्फर्ट. आपको पेट्रोल पंप जाना ही नहीं है, आप कब जाओगे? सिर्फ एक टायर प्रेशर चेक कराने एंड दैट्स योर ओनली ट्रिप. अदरवाइज किसको वहाँ पे लाइन में खड़े होकर इतना टाइम लगाना है कि हम फ्यूल भरें एंड यू नो हम इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड करें. एंड ऑफकोर्स इट्स ईवी तो इट्स क्लीन, इट्स अ क्लीन टेक्नोलॉजी. आप रोज़ निकलते हो, यू आर कॉन्फिडेंट that I am not at least adding to the carbon footprint of the planet. It's a great plus point for the car. And Tata, along with its 5-star rating of safety for all its products, that is an immense confidence for not just me, a working mother, a professional, an informed professional. And matlab you know I will come back home safe to my family and happy. तो दोस्तों ये थी दृष्टि जी जो कि इस गाड़ी को चला रही हैं और जितना बोलना चाहती हैं, मतलब मैं मुझे लगता है कि मैं सुनता रहूँ ना तो पूरा वीडियो इन्हीं के नाम हो जाएगा सब कुछ, मतलब ये बोलती चली जाएंगी इतनी खुश हैं. तो अगर ये खुशी सबके चेहरे पर ले आ रही है तो है टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों से बहुत बड़ा काम किया है और लोगों को बता दिया है कि पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं है. साइलेंटली आप मूव करते रहें, पूरी दुनिया आपको देख रही होगी और आप अपने हिस्से वाला अच्छा काम पर्यावरण के लिए कर जाएंगे. तो मुझे लगता है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और दृष्टि से कि अच्छा लगा होगा. और कुछ पूछना चाहते हैं जो मैंने नहीं पूछा है तो एक काम करिएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvd, चले आइएगा, सवाल करिएगा और सारा जवाब हम दे देंगे या फिर दृष्टि मैम से पूछ के आपको बता देंगे.